व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस, आरजी हियर। मैं आ गया हूं आप लोगों के लिए लेके एक और वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा दो, क्योंकि आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक और रिएक्शन। किस गाने पे? रिग्रेट पे, जो कि गाना है एमसी स्टैन का। एंड बहुत देर बाद मेरे को कोई लगा गाने पे रिएक्ट करना चाहिए, क्योंकि अभी अभी एमसी स्टैन का मुद्दा भी चल रहा था पुनीत सुपरस्टार के साथ के कौन सबसे बड़ा क्रिंज है, वो वाली स्टोरी चल रही थी। तो क्या बोल सकते हैं भाई, देखो कोई दूसरे को बोलेगा तो दूसरा तो जवाब देगा। अब दूसरे ने जवाब दिया है तो फिर ऑडियंस तो मैं पता ही है, फिर अब क्या बोल सकते हैं यार। सच तो सच ही रहने वाला है ना, कौन सबसे बड़ा क्रिंज है ये आप लोग डिसाइड कर सकते हो। जनता, जनता इज़ द किंग, बाकी सब क्रिंज है। चलो अपन वो छोड़ते हैं, उसके ऊपर बात नहीं करते, हम सीधा गाने पे रिएक्ट करते हैं। चलो लेट्स रिएक्ट ऑन द सॉन्ग, ठीक है? एमसी स्टैन का रिग्रेट, लेट्स हियर इट। वे हेडफोन तो लगा लो भाई, और इतने में हेडफोन लगा रहा हूँ, तुम सब्सक्राइब कर लो, हेडफोन लगे हुए वैसे, सब्सक्राइब कर लो सब्सक्राइब। अरे कहाँ लगेंगे ये तो आजकल ना, ये एलविश यादव ने मज़े दिला रखे हैं बिग बॉस में। सिद्धार्थ शुक्ला के बाद अब जाके मेरे को बिग बॉस अच्छा लगने लगा। चलो देखते हैं। टॉकिंग सेंस, मतलब इतना, मतलब अगर ध्यान से सुनो और इसका मीनिंग सोचोगे ना, बहुत डीप है, बहुत डीप है, बहुत बढ़िया, अच्छा लिखा हुआ गाना है। और समझदार लोगों को समझ भी आएगा कि लड़की वैसे घर टूट गए हैं। टॉकिंग सेंस ब्रो, यार बहुत ना घुस के सुनना पड़ता है गाना, बिकॉज मैं आई एम नॉट मच इन टू रैप सॉन्ग, यू नो दैट। मैं दो तीन लोगों के गाने सुनता हूँ, एमी वे के हो गया, हनी सिंह ऑब्वियसली, एंड अगर तुम बात करो एमसी स्टैन के, अब मैं सुनने लग गया हूँ, मेरे को अच्छे लगने लगे कुछ गाने, पिछला गाना भी अच्छा था। तो ऐसा नहीं है किसी पर्टिकुलर बंदे के लिए कभी हेट नहीं होती हमारी यार, हमारा ये होता है कि अगर ही इज़ टॉकिंग गुड तो वी हैव टू से गुड। अगर अच्छा लगा जेन्युइनली, रिएक्शन इज़ ऑल अबाउट जो जेन्युइनली आपने फील किया, इट इज़ नॉट अबाउट प्लीजिंग समबडी और प्लीजिंग एन आर्टिस्ट। वेरी वेल रिटन यार, अच्छा लिखा हुआ गाना है, बट मुझे थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ रहा है, इसलिए शायद मेरा फोकस गाने के लिरिक्स की तरफ ज़्यादा जा रहा है। एंड आई थिंक अगर रैप की आप बात करो, लिरिक्स इज़ द किंग। अगर हम रैप की बात करें या किसी भी हिप हॉप से रिलेटेड गाने की बात करें, वहाँ पर लिरिक्स ही हैं जो मेजर गेम है, ठीक है? ना तो आर्टिस्ट, ना वीडियो, ना ज़्यादा मैटर करेगा। वीडियो इज़ शॉर्ट एवरेजली ओके, बट लिरिक्स बहुत मीनिंगफुल है, वेरी डीपली रिटन सॉन्ग, अच्छा लिखा। Oh.
यार एक ही शॉट रिपीट किया हुआ है इन्होंने, इन्होंने एक दो शॉट्स रिपीट ही कर रखे हैं, जहां से शुरू वहीं पर खत्म हुआ है। अगर पर्टिकुलरली मैं वीडियो की बात करूं, लिरिक्स वर रिटन वेरी वेल रिटन, अच्छा लिखा था, बट थोड़ा जोर लगता समझने में यार, ठीक है, समझने में मतलब कि बोला क्या, मीनिंग तो समझ में आया, अच्छा लिखा। एंड मेरा मानना यह है कि हाँ, डिसेंटली रिटन सॉन्ग, वेरी वेल रिटन सॉन्ग। ये देखो, सब्सक्राइब करने के बाद ऑल बटन दबा लो ऐसे, ठीक है, और लाइक कर दो। लिंक मैंने गाने का डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जिसने गाना सुनना है जाके सुनो, और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। रिएक्शंस आपके लिए भर भर के रोज़ आते हैं और आते रहेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, विल सी अनदर वीडियो गाइज। जय हिंद, कीप सपोर्टिंग गाइज़।